गल विच और बन गई। हाँ, अब पाकिस्तान जिन मकासद के लिए बना कौम उधर अब चल पड़ी है। हाँ, लब्बैक का नारा पूरी दुनिया पर लगना है। बस हाँ जी, तवज्जो भाई, बात सुन, हुजूर नाल प्यार करना है ते जिधरों भी जमा तफरीक करके ले आओगे ना, अगे हुजूर ही खड़े ने। ऐ मेरी गल याद रखना। हाँ जी, ए मत समझना भाई इस राह जावांगे ते शायद असी ना, अगे फिर हुजूर खड़े। हाँ जी, दुनिया विच भी हुजूर दी वजह तो दुनिया कायम है ते कबर च भी आखिरी सवाल हुजूर दे बारे होने ने। जे कोई याद है तो फिर गल पक्की कर लेना। आखिरी सवाल यही होना है, मा कुंत तकूलु फी हाज़र रजुल, दस इन्हां नाल की वफा की थी। उत्थे जाके कहेंगा मेरे को टाइम ही कोई नहीं सी, मैनू तो जान बड़ी कीमती सी, इतनी मुहब्बत करके जरूर जानी। फरिश्ते जे पुछते पे होवन ते कहते इनके बारे में पूछते हो, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिल रवा के बाद। औज़े कौसर ते भी हुजूर फरमांदे ने मैं खुद खड़ा होवांगा। उस दिन भी जब एडी एडिया जबाना बार होनियां ते प्यास बुझण वास्ते इको ही जा होनी, वो दरे रसूल ही होना। हाँ जी, उस दिन मां भी नस जानी, प्यो भी नस जाना, यार भी नस जाने। हुजूर फरमांदे ने मैं ही कम आना है सारे। जो हुजूर ने पूछ लिया तो यार एयर कंडीशन सुता रहा सी, तैनू पता ही कोई नहीं सी मुल्क मेरे खिलाफ की कुछ आंदा रहा, मेरे दीन के खिलाफ की कुछ आंदा रहा। मेरे आका नूं इत्थे पत्थर मारिया काफरां ने इत्थे करके। ऐ मैं तो गजवा जिहड़ा हजूर का सफर है ताइफ है ना, कि भला मैं सारी जिंदगी बयान नहीं किया। मैं की कौम इस कौम नूं दसा जिहड़े चावलां ते लड़दे ने, मैं इन्हां नूं दसा हजूर नूं इतने पत्थर पै उस जगह, फिर हजूर का खून मुबारक कितनी जगह बह गया। जिहड़े इतने चावलां उत्ते एक दूसरे के गिरेबान नप रहे होंदे ने, इन्हां नूं की पता हजूर नूं ताइफ च कितने पत्थर मारे लोगों ने। अज उस दीन में गल करो लोगों 11,000 वोल्ट का करंट लगता है। ओ छड़ो जी मौली साहब, और मैं आखा मौलवी नूं तो छड़, दीने मुस्तफा नूं तो गले ला ना। हाँ जी, हुजूर दे दीन तो गले ला ना यार, जिस दीन वास्ते अमीर हमजा दे टुकड़े हो गए। साहबा कहते आखिर वक्त तक हुजूर रो पैंदे सन अमीर हमजा का नाम सुन के, सामने चाचा जान दे कलेजे ते जिगर कड्ढे होवन। क्यों जी? अनस बिन नदर का कीमा हो जाए मैदान ओहदे च। लो जी, मैं आखिरी दो गल्लां करके मैं गुफ्तगू मुक। हजरत अनस बिन नदर जड़े सन ना, वह मैदान बदरे चो पिछे रह गए सन, ते बाद च की कहंदे सन, वल्लाह लैन अकरमनिल्लाह रब्बी बे यौमिन अलकल मुशरिकीन फी लयरयन्नल्लाह मा असनौ। या अल्लाह, बदरे चो तो मैं रह गया पिछे, जे तू मैनू एंदा फिर मौका दिता ना, तेरे ते तेरे नबीरा दुश्मनों दा मेरी मुलाकात हो गई तो फिर तू ही वेखेगा मैं किवें लड़ना, रब ही देखेगा मैं कैसे लड़ता। फिर मैदान ओद आ गया, अनस बिन नदर दा काफर, बाकी साहबते तो उन्हें मुसले किए ना, नक कन कटे, अनस बिन नदर दा उन्हें कीमा कर दिता। आप दी लाश भी ना पहचानी गई, सिर्फ इन्हें उंगलियां जिथे पईयां सन ना कीमे दे नाल, आप दी अमशीरा ने इन्हें पोरियां तो पहचाणिया, ये मेरे बिरा दी लाश है। फिर रब भी वेखदा, जेड़ा बंदा इंज करके अपनिया जाना बचांदा, चले वो मसीतां दे स्पीकर उतर गए, मौलवी ते पीर नहीं बोले। कहंदे जी को फर्ज वाजिब था उतलिया स्पीकर जजान देनी, मैं कहा मौली साहब तुसी भी फर्ज वाजिब कोई नहीं सी, पीर साहब तुसी भी फर्ज वाजिब कोई नहीं सी, अल्लाह के घरों तो स्पीकर उतरे, अपने घर की टूटी भी कोई ना लाण दे, ते जुर्म की वे अल्लाह अकबर दे उतलिया स्पीकर, मौलवी की तकरीर तो बंद कर दो, लेकिन अल्लाह अकबर का क्या मसला था? इसे वास्ते तो हिंदुओं की होली जाके मजे लाए इन्होंने। हाँ, हिंदुओं की होली जाके क्या कि ये तमाम मजाहब जो है ये फूलों की रंग बिरंगी की तरह, ये तमाम अल्लाह की नेमत है। तमाम मजाहब दसो जी, कुफर भी नेमत होगा? और नहीं बोले मौलवी दायरे जी, उन्होंने जिन्होंने टीए मिलते हैं तो जेडे उन्होंने दरबारा कोठिया से जाके उन्हें बोलना सी, वह तो इमामे रब्बानी होता तो कोई बोलता ना। हाँ जी।